अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपके साथ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी यानी जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के बारे में। जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का आगाज 1897 में एक प्राइमरी स्कूल के तौर पर हुआ। 1905 में इसे हाई स्कूल और 1924 में इंटरमीडिएट कॉलेज के दर्जे पे फाइज किया गया और अक्टूबर 2002 में इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया। जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में 6 फैकल्टीज, 43 डिपार्टमेंट, 6 इंस्टीट्यूट, 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस और इसके साथ 121 कॉलेजेस एफिलिएटेड हैं। यूनिवर्सिटी की टोटल टीचिंग फैकल्टी में 700 से ज्यादा टीचर शामिल हैं और यहाँ 45,000 से ज्यादा स्टूडेंट जेरे तालीम हैं। HEC की रैंकिंग में जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद पाकिस्तान में जनरल कैटेगरी की यूनिवर्सिटीज में 7वें नंबर पे है और QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2022 के मुताबिक जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद एशिया की यूनिवर्सिटीज में 351 से 400 में रैंक करती है और टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2023 के मुताबिक जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का शुमार पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज में 501 से 600 में होता है और इस रैंकिंग के मुताबिक जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज में कायदे आजम यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के बाद दूसरे नंबर पे है। जीसी यूनिवर्सिटी के फैसलाबाद में 3 कैंपसेस हैं, 37 एकड़ पर मुश्तमिल ओल्ड कैंपस, 200 एकड़ का न्यू कैंपस और सिविल लाइन कैंपस। इसके अलावा जीसी यूनिवर्सिटी के चिनियोट और हाफिजाबाद में सब कैंपसेस भी हैं और इसके अलावा लैया और साहिवाल में भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर काम करने वाले 2 कैंपसेस हैं। जीसी यूनिवर्सिटी के तमाम सब कैंपसेस के एडमिशन अलग से अनाउंस किए जाते हैं। जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की तरफ से 2022 के एडमिशन्स का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और ऑफर होने वाले 4 ईयर अंडरग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में शामिल हैं फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज में अप्लाइड साइकोलॉजी, बीएड ऑनर्स एलिमेंट्री, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज, इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स, फाइन आर्ट, होम इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, हेरिटेज एंड टूरिज्म, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, इंटरनेशनल रिलेशंस, LLB 5 ईयर, मैस कम्युनिकेशन, पाकिस्तान स्टडीज, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिक्स एंड पार्लियामेंट्री स्टडीज और सोशियोलॉजी। फैकल्टी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट साइंसेज में अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लालपुर बिजनेस स्कूल में BBA, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग में आर्किटेक्चर का 5 ईयर प्रोग्राम, BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और केमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। फैकल्टी ऑफ इस्लामिक एंड ओरिएंटल लर्निंग में इस्लामिक स्टडीज और उर्दू, कॉलेज ऑफ ओरिएंटल लैंग्वेजेस में अरेबिक, पर्शियन और पंजाबी। फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंसेज में बायोकेमिस्ट्री, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, एनवायरमेंटल साइंसेज, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फिजियोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन और जुआलॉजी। फैकल्टी ऑफ मेडिकल साइंसेज में डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी का 5 ईयर प्रोग्राम, ईस्टर्न मेडिसिन का 5 ईयर प्रोग्राम, ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, MLT, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, ऑर्थोटिक्स एंड प्रोस्थेटिक्स, रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी। फैकल्टी ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज में Pharm-D का 5 ईयर प्रोग्राम। फैकल्टी ऑफ फिजिकल साइंसेज में अप्लाइड केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, डेटा एनालिटिक्स, ज्योग्राफी, रिमोट सेंसिंग एंड GIS, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और स्टैटिस्टिक्स। इसके अलावा जीसी यूनिवर्सिटी की तरफ से 4 ईयर BS डिग्री प्रोग्राम्स रेप्लिका यानी आफ्टरनून या इवनिंग में भी ऑफर किए जाते हैं। इनमें शामिल है फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज में अप्लाइड साइकोलॉजी, इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स, हिस्ट्री, आर्किटेक्चर, इंग्लिश लिटरेचर, फाइन आर्ट, मैस कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी और LLB। फैकल्टी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट साइंसेज में कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लालपुर बिजनेस स्कूल में BBA, फैकल्टी ऑफ इस्लामिक एंड ओरिएंटल लर्निंग में इस्लामिक स्टडीज और उर्दू, फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंसेज में बायोकेमिस्ट्री, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, एनवायरमेंटल साइंसेज, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन और जुआलॉजी, फैकल्टी ऑफ मेडिकल साइंसेज में DPT, HND और MLT, फैकल्टी ऑफ फिजिकल साइंसेज में अप्लाइड केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ज्योग्राफी, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और स्टैटिस्टिक्स। और इसके अलावा आपको बताते चलें कि जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में MS, MPhil, PhD, मास्टर्स और BEd के प्रोग्राम्स में एडमिशन्स हो चुके हैं जिसमें अप्लाई करने की आखिरी तारीख 28 सितंबर थी, लेकिन इसके बाद जीसी यूनिवर्सिटी की तरफ से तमाम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए डेडलाइन को 6 अक्टूबर तक तौसी दी गई थी। इसके अलावा जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के यूनिवर्सिटी कम्युनिटी कॉलेज में मॉर्निंग और रेप्लिका यानी इवनिंग में 2 साल एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स भी ऑफर हो रहे हैं। इनमें शामिल है अप्लाइड साइकोलॉजी, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसके साथ ही जीसी यूनिवर्सिटी में BS के 5वें सेमेस्टर में एडमिशन्स किए जा रहे हैं जिनमें वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने BA, BSc या ADA, ADS, ADC का 2 ईयर प्रोग्राम कंप्लीट किया हो, यानी ऐसे स्टूडेंट जिनकी 14 ईयर एजुकेशन कंप्लीट है तो वो BS के 5वें सेमेस्टर में एडमिशन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन प्रोग्राम्स में शामिल है मॉर्निंग में अप्लाइड केमिस्ट्री, इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स, अप्लाइड साइकोलॉजी, अरेबिक, बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स,
एजुकेशन, इंग्लिश लिटरेचर, एनवायरमेंटल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इंटरनेशनल रिलेशंस, इस्लामिक स्टडीज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैथ कम्युनिकेशन, मैथमेटिक्स, पाकिस्तान स्टडीज, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पंजाबी, सोशियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, उर्दू और जुआलॉजी। और रेप्लिका यानी इवनिंग में बीएस फिफ्थ सेमेस्टर के प्रोग्राम्स में शामिल हैं अप्लाइड केमिस्ट्री, इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स, अप्लाइड साइकोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, क्रिमिनोलॉजी, एजुकेशन, इंग्लिश लिटरेचर, एनवायरमेंटल साइंस, ज्योग्राफी, आईआर, आईटी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, उर्दू और जुआलॉजी। और जीसी यूनिवर्सिटी में पोस्ट मैजिस्ट्रियल डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी भी ऑफर हो रहा है, जिसमें बीएस ऑनर्स या एमएससी इन अप्लाइड साइकोलॉजी करने वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। और जीसी यूनिवर्सिटी के तमाम अंडरग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स की नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की मॉर्निंग में 50 सीटें हैं, रेप्लिका में कोई सीट नहीं। अप्लाइड केमिस्ट्री की मॉर्निंग और इवनिंग में 50-50 सीटें हैं, अप्लाइड साइकोलॉजी की भी 50-50, अरेबिक की मॉर्निंग में 25 सीटें हैं, बीबीए की मॉर्निंग और इवनिंग में 150 सीटें, बायोकेमिस्ट्री, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी और बॉटनी के प्रोग्राम्स की मॉर्निंग और इवनिंग में 50-50 सीटें हैं, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम की मॉर्निंग में 45-45 सीटें, केमिस्ट्री, कॉमर्स और कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम की मॉर्निंग और रेप्लिका में 50-50 सीटें हैं। इसके बाद इकोनॉमिक्स की मॉर्निंग में 50, इंग्लिश लिटरेचर की 50, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 80, एनवायरमेंटल साइंसेज की 50, फाइन आर्ट्स की 180, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की 50, ज्योग्राफी की 50, हिस्ट्री की 50, ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स की 50 सीटें हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईआर, इस्लामिक स्टडीज, मैथ कम्युनिकेशन, मैथमेटिक्स, एमएलटी, माइक्रोबायोलॉजी, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी और ऑर्थोटिक्स एंड प्रोस्थेटिक्स की मॉर्निंग में 50-50 सीटें हैं। इसके बाद फिजिक्स की मॉर्निंग की 50 सीटें, पॉलिटिकल साइंस की 50, पंजाबी की 25, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की 50 और जुआलॉजी की भी 50 सीटें हैं। और याद रहे कि ऐसे तमाम डिग्री प्रोग्राम्स जिनकी टोटल 50 सीटें हैं तो उनमें ओपन मेरिट की बेसिस पर 40 सीटें हैं, जबकि बेंच फी की 10 सीटें रिजर्व्ड हैं। और बेंच फी यानी सेल्फ फाइनेंस की बेसिस पर एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स को नॉर्मल फी स्ट्रक्चर के अलावा 25,000 रुपए पर सेमेस्टर इजाफी फी अदा करनी होगी। इसके बाद डीपीटी के प्रोग्राम की मॉर्निंग और इवनिंग में 50-50 सीटें हैं, एलएलबी की मॉर्निंग में 100 और रेप्लिका की 50 सीटें, फार्मडी की सिर्फ मॉर्निंग में 60 सीटें हैं, आर्किटेक्चर की मॉर्निंग में 30 और ईस्टर्न मेडिसिन की 50 सीटें हैं। इसके बाद जीसी यूनिवर्सिटी के मॉर्निंग और रेप्लिका प्रोग्राम्स में रिजर्व सीटों की बात करें तो ओपन मेरिट बेसिस पर तो सिर्फ पंजाब डोमिसाइल होल्डर स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। ताहम यूनिवर्सिटी की तरफ से मुख्तलिफ कैटेगरीज की रिजर्व सीटें भी शामिल की गई हैं, जिनमें शामिल हैं डिसेबल्ड पर्सन की मॉर्निंग प्रोग्राम में एक एक सीट होती है। इसके अलावा तमाम मॉर्निंग प्रोग्राम्स में बलोचिस्तान के कैंडिडेट्स के लिए एक सीट रिजर्व है, एक्स फाटा के स्टूडेंट्स के लिए 2 सीटें रिजर्व है, ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए 1 सीट, आर्म फोर्सेज के सर्विंग या रिटायर्ड एम्प्लॉयज के बच्चों के लिए 1 सीट है, आर्म फोर्सेज और पंजाब पुलिस के शहादा के बच्चों के लिए 1 सीट, पंजाब के माइनॉरिटीज के स्टूडेंट्स के लिए 1 सीट रिजर्व की गई है, यूनिवर्सिटी के नॉन टीचिंग और टीचिंग एम्प्लॉयज के बच्चों के लिए 2-2 सीटें रिजर्व हैं, पंजाब बार काउंसिल के नॉमिनेटेड लॉयर्स के बच्चों के लिए एलएलबी के प्रोग्राम में 5% सीटें रिजर्व हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज की बुनियाद पर फार्म डी और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्रोग्राम के अलावा बाकी तमाम प्रोग्राम्स में 2% सीटें रिजर्व की गई हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स बेसिस पर भी फार्म डी और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अलावा बाकी तमाम प्रोग्राम्स में 2% सीटें रिजर्व हैं और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए 5% सीटें रिजर्व की गई हैं। और स्पोर्ट्स कोटा की बेसिस पर सिर्फ ऐसे स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने बोर्ड लेवल के ऊपर खेला हो। हाफिज़े कुरान स्टूडेंट्स को हिफ्ज़े कुरान का टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद इंटरमीडिएट के मार्क्स में 20 इजाफी नंबर दिए जाएंगे। इसके बाद तमाम अंडर ग्रेजुएट बीएस फोर ईयर डिग्री प्रोग्राम्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सिर्फ पंजाब के डोमिसाइल होल्डर स्टूडेंट्स ही एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मॉर्निंग के प्रोग्राम्स में अप्लाई करने के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 22 साल, जबकि रेप्लिका यानी इवनिंग के प्रोग्राम्स में अप्लाई करने की मैक्सिमम एज लिमिट 24 साल है। ताहम कुछ मखसूस केसेस में कैंडिडेट्स को 3 साल तक की एज रिलैक्सेशन दी जा सकती है। कैंडिडेट्स को तमाम अंडर ग्रेजुएट फोर ईयर डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए एफए, एफएससी, आईकॉम, आईसीएस, ए लेवल्स या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन में मिनिमम 45% मार्क्स लेने होंगे। यानी इंटरमीडिएट या इक्विवेलेंट एजुकेशन में कम से कम 45% नंबर हासिल करने वाले स्टूडेंट्स ज्यादातर डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इनमें कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनमें मार्क्स की रिस्ट्रिक्शन थोड़ी ज्यादा है, जिनमें शामिल है फार्म डी, मेडिकल हेल्थ प्रोफेशनल प्रोग्राम्स यानी डीपीटी, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, रेडियोग्राफी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, ऑर्थोटिक्स एंड प्रोस्थेटिक्स, और बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रोग्राम में दाखिले के लिए कैंडिडेट्स के इंटरमीडिएट में मिनिमम 60% मार्क्स होने लाजमी हैं। इसके अलावा बीएससी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल और केमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम्स, बीएस कंप्यूटर साइंस, बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए मुतल्लिका काउंसिल की रिक्वायरमेंट के मुताबिक कैंडिडेट्स के इंटरमीडिएट में मिनिमम 50% मार्क्स होने जरूरी हैं। लेकिन याद रहे कि ये सिर्फ अप्लाई करने के लिए मिनिमम मार्क्स की रिक्वायरमेंट है, ताहम इन तमाम डिग्री प्रोग्राम्स के मेरिट्स इससे ज्यादा नंबरों पर ही क्लोज होते हैं और मिनिमम रिक्वायर्ड मार्क्स के हामिल कैंडिडेट्स एडमिशन के लिए अप्लाई तो जरूर कर सकते हैं, लेकिन दाखिला सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को होगा जिनका नाम मेरिट लिस्ट में आएगा। तमाम डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन स्ट्रिक्टली मेरिट बेस्ड होंगे और कैंडिडेट्स के सिर्फ एफए, एफएससी, आईकॉम, आईसीएस, ए लेवल्स या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन में हासिल होने वाले मार्क्स की बुनियाद पर ही मेरिट कैलकुलेट किया जाएगा।
और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 2021 या 2022 में बोर्ड एग्जाम्स दिए हैं तो वो मॉर्निंग और रेप्लिका दोनों प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं। ताहम ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने इससे कबल इंटरमीडिएट कंप्लीट किया हो यानी 2020 या उससे पहले, तो वो मॉर्निंग के प्रोग्राम्स में अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन ये सिर्फ रेप्लिका प्रोग्राम्स यानी इवनिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और 2020 या इससे पुराना इंटरमीडिएट होने के केस में कैंडिडेट्स के पर ईयर के हिसाब से 10 नंबरों की डिडक्शन की जाएगी। इस पॉइंट को लेकर अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, तो सिंपली ये बता दें कि ऐसे तमाम स्टूडेंट जिन्होंने 2022 में या 2021 में इंटरमीडिएट कंप्लीट किया है तो वो मॉर्निंग और इवनिंग दोनों प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं और उनके मार्क्स में किसी भी किस्म की डिडक्शन नहीं की जाएगी। लेकिन ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने 2020 या उससे कबल इंटरमीडिएट कंप्लीट किया था तो वो मॉर्निंग के प्रोग्राम्स में अप्लाई नहीं कर सकते और वो सिर्फ इवनिंग प्रोग्राम्स में अप्लाई करेंगे और इनके पर ईयर के हिसाब से 10 मार्क्स की डिडक्शन की जाएगी। और जीसी यूनिवर्सिटी में ऑफर होने वाले अंडरग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए एंट्री टेस्ट की रिक्वायरमेंट की बात करें तो बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए यूएटी लाहौर की तरफ से कंडक्ट होने वाला ई कैट का टेस्ट मैंडेटरी है। इसके बाद बीएससी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल केमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और बैचलर इन आर्किटेक्चर के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए दो तरह के एंट्री टेस्ट इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इनमें शामिल है यूएटी लाहौर की तरफ से कंडक्ट होने वाला ई कैट का टेस्ट या जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की तरफ से भी इनके लिए एंट्री टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। तो कैंडिडेट्स इन डिग्री प्रोग्राम्स में चाहे तो ई कैट की बुनियाद पर या जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के टेस्ट की बुनियाद पर एडमिशन ले सकते हैं। और इसके अलावा एलएलबी 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन के लिए लाजमी है कि कैंडिडेट ने एचईसी की तरफ से कंडक्ट होने वाला लॉ एडमिशन टेस्ट एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ क्वालिफाई किया हो। और इन डिग्री प्रोग्राम्स के अलावा बाकी तमाम प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए किसी एंट्री टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। यानी बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम्स, आर्किटेक्चर और एलएलबी के प्रोग्राम के अलावा बाकी किसी भी डिग्री प्रोग्राम में एंट्री टेस्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, फार्म-डी, अलाइड हेल्थ साइंसेज, मैनेजमेंट साइंसेज, बिजनेस स्टडीज और सोशल साइंसेज के किसी भी अंडरग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन के लिए यूसेट, एनटीएस नेट या एमडी कैट वगैरह जैसे किसी भी टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। और यहां मेंशन किया गया 5-6 डिग्री प्रोग्राम्स के अलावा बाकी तमाम अंडरग्रेजुएट बीएस प्रोग्राम्स में एडमिशन सिर्फ कैंडिडेट के इंटरमीडिएट के मार्क्स की बुनियाद पर ही किए जाएंगे। इसके बाद डिफरेंट अंडरग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में अप्लाई करने की रिक्वायरमेंट देखें तो बीएस इकोनॉमिक्स, एलएलबी, बीएड ऑनर्स एलिमेंट्री और बीबीए के प्रोग्राम में वो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने एफए, एफएससी प्री मेडिकल, एफएससी प्री इंजीनियरिंग, आईसीएस या ए लेवल या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन कंप्लीट की हो। बीएस फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एफएससी प्री मेडिकल और एफएससी प्री इंजीनियरिंग या ए लेवल के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। बीएस बायोइनफॉर्मेटिक्स और बीएस फिजिक्स के प्रोग्राम में एफएससी प्री इंजीनियरिंग, एफएससी प्री मेडिकल और आईसीएस विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद बीएससीएस, बीएसआईटी, बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बीएस डेटा साइंस और बीएस डेटा एनालिटिक्स के प्रोग्राम में एफएससी प्री इंजीनियरिंग और आईसीएस के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बीएस कंप्यूटर साइंस, बीएसआईटी और बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रोग्राम में एफएससी प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। ताहम एडमिशन होने के बाद कैंडिडेट्स को बीएस के पहले 2 सेमेस्टर में मैथमेटिक्स के डेफिशिएंट कोर्सेज कंप्लीट करने होंगे। इसके बाद तमाम इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए मेरिट फार्मूला में डीएई या एफएससी के मार्क्स की 70% वेटेज जबकि जीसी यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट या ई कैट की 30% वेटेज शामिल की जाएगी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रोग्राम में एडमिशन के मेरिट फार्मूला में एफएससी, डीएई या ए लेवल के मार्क्स की 50% वेटेज, यूएटी लाहौर के ई कैट टेस्ट की 33% वेटेज और मैट्रिक के मार्क्स की 17% वेटेज शामिल की जाएगी। बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर के प्रोग्राम में मेरिट फार्मूला में एफएससी की 70% वेटेज और जीसी यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट या ई कैट की 30% वेटेज शामिल की जाएगी। इसके साथ ही आपको बताते चलें कि जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अलावा बाकी तमाम डिग्री प्रोग्राम्स में मॉर्निंग और रेप्लिका के सेशंस में बेंच फी की 10 सीटें रिजर्व की गई हैं। बेंच फी से मुराद सेल्फ फाइनेंस की सीटें हैं, यानी सिर्फ सेल्फ फाइनेंस की टर्म को चेंज करके यह बेंच फी का वर्ड यूज किया जा रहा है। और जीसी यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अलावा बाकी तमाम प्रोग्राम्स में मॉर्निंग और रेप्लिका में 10-10 सीटें सेल्फ फाइनेंस की बुनियाद पर रिजर्व की गई हैं। और सेल्फ फाइनेंस यानी बेंच फी की बुनियाद पर एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स को नॉर्मल फी स्ट्रक्चर के साथ साथ 25,000 रुपए पर सेमेस्टर इजाफी फी अदा करना होती है। और यहाँ आप जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के तमाम अंडरग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स के लास्ट ईयर के क्लोजिंग मेरिट्स की इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। लास्ट ईयर डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी का मॉर्निंग का मेरिट 97.36% पे क्लोज हुआ, बेंच फी मॉर्निंग का 95.55%, इवनिंग का 95.91% जबकि बेंच फी इवनिंग का 94.64% था। ईस्टर्न मेडिसिन का मॉर्निंग का 80.55% और इवनिंग का 60.09%, एलएलबी का मॉर्निंग का 85.36%, फार्म-डी का मॉर्निंग का 98.82% और बेंच फी मॉर्निंग का 98.45%। इसके बाद केमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी 52.39%, मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी 47.37%, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का 74.18%, बीएस अरबी का 45.36%, आर्किटेक्चर का 51.76%, बायोकेमिस्ट्री का 92%, बायोटेक्नोलॉजी का 93.36%, केमिस्ट्री का 95.64%, कंप्यूटर साइंस का 91.82%, इंग्लिश लिटरेचर का 91.09%, एनवायरमेंटल साइंसेज का 70.67%, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का 92.18%, होम इकोनॉमिक्स का 45.27%, एचएनडी का 94.91%, आईआर का
80.73, मैथमेटिक्स का 89.27, एमएलटी का 95%, ओटीटी का 92.09, पर्शियन का 50.27, फिजियोलॉजी का 63.82, पंजाबी का 45.36, रेडियोग्राफी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी का 96.45, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का 92.91, जुआलॉजी का 91.36, एडी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का 59.09, एडी फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का 59.45 और एडी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का 45.27% था। और याद रहे कि पिछले साल तमाम डिग्री प्रोग्राम्स के मेरिट्स इस वजह से ज्यादा थे क्योंकि स्टूडेंट्स को इंटरमीडिएट में फार्मूला के मुताबिक मार्क्स दिए गए थे। स्टूडेंट्स ने सिर्फ इंटरमीडिएट के इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के मार्क्स दिए थे और उसमें ऑब्टेंड मार्क्स की बुनियाद पर 5% ग्रेस मार्क्स ऐड करने के बाद आर्ट्स के सब्जेक्ट्स में मार्क्स दिए गए थे। और लास्ट ईयर स्टूडेंट्स के इंटरमीडिएट में काफी ज्यादा नंबर होने की बिना पर जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स के मेरिट्स काफी ज्यादा रहे। ताहम इस साल तमाम डिग्री प्रोग्राम्स के मेरिट्स कम होने के चांसेस हैं। इसके बाद जीसी यूनिवर्सिटी के तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स के फीस स्ट्रक्चर की बात करें, प्रोस्पेक्टस के मुताबिक जो फीस स्ट्रक्चर दिया गया है उसमें बीएस अप्लाइड केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जुआलॉजी, एनवायरमेंटल साइंसेज, बॉटनी, स्टैटिस्टिक्स, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोइनफॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, आरआईएस, रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस और ज्योग्राफी के प्रोग्राम की पहले सेमेस्टर की फी 28,600 रुपए और 4 साल की मुकम्मल फीस 2,01,380 रुपए है। इसके बाद बीएस इकोनॉमिक्स एजुकेशन, इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स, इस्लामिक स्टडीज, मैथ कम्युनिकेशन, उर्दू, पॉलिटिकल साइंस, आईआर, पॉलिटिक्स एंड पार्लियामेंट्री स्टडीज, हिस्ट्री, पाकिस्तान स्टडीज, सोशियोलॉजी और अप्लाइड साइकोलॉजी के प्रोग्राम की पहले सेमेस्टर की फी 25,500 रुपए है और टोटल फीस 1,74,080 रुपए बनती है। बीएस होम इकोनॉमिक्स के प्रोग्राम की पहले सेमेस्टर की फी 28,600 रुपए, दूसरे सेमेस्टर की 23,300 और टोटल फीस 2,01,380 रुपए है। इसके बाद फाइन आर्ट्स, फैशन डिजाइन, ग्राफिक डिजाइन, टेक्सटाइल डिजाइन और पेंटिंग के प्रोग्राम की पहले सेमेस्टर की फीस 37,600 रुपए और टोटल फीस 2,79,180 रुपए है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पहले सेमेस्टर की फीस 57,100 रुपए और टोटल फीस 4,46,760 रुपए है। इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के तमाम प्रोग्राम्स की पहले सेमेस्टर की फी 50,000 रुपए और 4 साल के डिग्री प्रोग्राम की टोटल फीस 3,87,440 रुपए है। बीएस कॉमर्स, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोग्राम की टोटल फीस 2,78,870 रुपए। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पहले सेमेस्टर की फी 49,300 रुपए और टोटल फी 3,84,500 रुपए है। कंप्यूटर साइंस, आईटी और डेटा साइंस की पहले सेमेस्टर की फी 40,800 रुपए और टोटल फीस 3,08,160 रुपए है। फार्म-डी के प्रोग्राम की पहले सेमेस्टर की फी 59,100 रुपए और टोटल फीस 5,68,990 रुपए है। एलएलबी के प्रोग्राम की पहले सेमेस्टर की फीस 32,100 रुपए और टोटल फीस 2,97,880 रुपए। बीएस आर्किटेक्चर की पहले सेमेस्टर की फीस 50,000 रुपए और टोटल फीस 4,86,840 रुपए है। डीपीटी के प्रोग्राम की पहले सेमेस्टर की फीस 45,800 रुपए और टोटल फीस 4,51,070 रुपए। ईस्टर्न मेडिसिन के प्रोग्राम की पहले सेमेस्टर की फीस 34,500 रुपए है और टोटल फीस 3,25,490 रुपए। अलाइड हेल्थ साइंसेज के तमाम प्रोग्राम्स की फीस पहले सेमेस्टर की 35,000 रुपए और टोटल फीस 2,53,560 रुपए है। बीएस ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स के प्रोग्राम की पहले सेमेस्टर की फीस 28,600 रुपए और टोटल फीस 2,01,380 रुपए है। और जो स्टूडेंट्स ये फीस स्ट्रक्चर भी अफोर्ड नहीं कर सकते तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिक्योर करने के बाद मल्टीपल स्कॉलरशिप्स अवेल किए जा सकते हैं जिनमें शामिल है एचईसी नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, पीफ स्कॉलरशिप, रहमतुल्लाह आलमीन मेरिट स्कॉलरशिप, दिया फाउंडेशन स्कॉलरशिप, पाकिस्तान स्कॉटिश स्कॉलरशिप स्कीम, पंजाब ज़कात डिपार्टमेंट, फौजी फाउंडेशन स्कॉलरशिप, नेशनल बैंक लोन स्कीम और इसी तरह नीडी और डिजर्विंग स्टूडेंट्स के लिए मेरिट और नीड बेस्ड मल्टीपल स्कॉलरशिप्स ऑफर किए जाते हैं। ऐसे तमाम स्टूडेंट जो जीसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उन्हें यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के इस लिंक से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी होगी। और यूनिवर्सिटी में एक डिग्री प्रोग्राम में अप्लाई करने की प्रोसेसिंग फीस 700 रुपए है और अगर किसी ऐसे डिग्री प्रोग्राम में अप्लाई किया जाए जहां एंट्री टेस्ट भी देना हो तो ऐसे केस में एंट्री टेस्ट की इजाफी फी 500 रुपए भी देनी होगी। और जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के 2022 के एडमिशंस में ऑनलाइन अप्लाई करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर है और जीसी यूनिवर्सिटी की तरफ से बीएस टेक्नोलॉजीज और बीएस फाइन आर्ट्स के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए एंट्री टेस्ट 5 नवंबर को कंडक्ट किया जाएगा। और जीसी यूनिवर्सिटी की तरफ से जैसे ही न्यूज़पेपर में एडमिशंस का नोटिफिकेशन जारी होता है तो उसके फौरन बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दी जाएगी जिसके बाद तमाम स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के इस पेज से एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। और यूनिवर्सिटी के तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में अप्लाई करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर यहाँ वीडियो की शक्ल में दिया गया है। तमाम स्टूडेंट्स ऑनलाइन अप्लाई करते हुए इस वीडियो से मुकम्मल रहनुमाई ले सकते हैं। और जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के एडमिशन से रिलेटेड किसी भी फर्दर इन्फॉर्मेशन या गाइडलाइंस के लिए दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स के थ्रू डायरेक्ट रब्ता करें।